हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं सारे क्वेश्चंस को, और आप लोग भी कोशिश करिएगा कि उसके आंसर्स करें, ओके। और बाकी मैं इसकी डिटेलिंग आपको करती रहूँगी बीच बीच में। चलिए आप हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ दीज बेटर प्रूफ रिसीव्स इन द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। ओके, सो फ्रेंड्स, ये जो बैटल है ये आपकी हुई थी 1760 में फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच। किसके बीच हुई थी? फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच हुई थी। ठीक, अब इसका आंसर आप बताइए। आंसर इज बैटल ऑफ वंदिवश। डू और डाई इज़ अ फेमस स्लोगन गिवन बाय। डू और डाई बहुत ही फेमस स्लोगन है, जो कि किसके द्वारा दिया गया है? क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था उस टाइम की ये बात है। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942। तो ये दिया गया था महात्मा गांधी जी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले एस्टैब्लिश की गई थी 1613 में, ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ एस्टैब्लिश की गई थी आप लोग बताइए? जी हाँ, ये सूरत में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एन इंडिपेंडेंस डे। बहुत इजी क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और कब की थी? 1930 में। परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट किया गया था कब और किसके बीच हुआ था? ये बंगाल और बिहार। किसके बीच हुआ था? बंगाल और बिहार के बीच, और ये हुआ था 1793 में। द आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। हु स्पोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिड नाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया अवेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम। किसने बोला था? इंटरनेशनल कांग्रेस में है ये, जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। ओके, और डेट भी याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाती है, 14 अगस्त 1947। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। सबसे पहला न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में किसके थ्रू लाया गया था? जे ए हिके। कब लाया गया था? तो ये आपका आया था 1779 में। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा फ़ोन को इधर उधर टच हो जाता है तो कुछ भी खुल जाता है, ऐसे ही कुछ क्लिक हो गया था और फिर आपका पेज चला गया था। सो 1779 में। ओके, पंजाब वॉज एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गवर्नर जनरल। बताइए, पंजाब को एनेक्स किया गया था और डिफीट किया गया था किसको? सिख को। ओके, सिख जो थे उनको। और ये कौन सा वॉर चल रहा था? ये सेकेंड एंग्लो वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कब चल रहा था फ्रेंड्स? तो ये 1849 की बात है, 1849 की।
ठीक है, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड डलहौजी। हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज डेजर्ट फॉरेक्स, सॉरी डेजर्ट फॉक्स। मैं जब भी क्वेश्चन पढ़ती हूँ डेजर्ट फॉरेक्स ही मेरे मुंह से निकलता है, डेजर्ट फॉक्स। सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज डेजर्ट फॉक्स, जनरल रोमल। फिर आपको क्रोनोलॉजिकली ये चीज़ें दी हुई हैं, आपको इन ट्रिटीज़ को लगाना है। ओके, तो आइए देखते हैं। साल बाय सबसे पहले आएगा, देन थर्ड, फिर सेकेंड एंड देन फर्स्ट। तो आपका बन रहा है 4321, 4321 आपका थर्ड में आ रहा है। ठीक, दिल्ली जनरल हु सक्सेसफुली एडवांस्ड अप टू मदुरई वॉज, ये हो जाएगा इसका आंसर मलिक काफूर। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 इज ऑल्सो नोन एज, सेकेंड ऑप्शन है इसका। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो सभी लोग जानते होंगे। एओ ह्यूम जी हैं, और मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कौन से ईयर में फॉर्म की गई थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और जितने लोग ये देखेंगे मैं उम्मीद करूंगी सभी का आंसर आना चाहिए मेरे पास कमेंट में। ओके, हु फाउंडेड द होम रूल लीग इन मद्रास इन 1960 AD, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ओन हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू, ये अमेरिकन ऑथर है, पोएट है और फिलोसोफर है, बताइए जिनकी बात चल रही है जिससे इंस्पायर हुए थे महात्मा गांधी जी। ये एक अमेरिकन ऑथर हैं, पोएट हैं और एक फिलोसोफर हैं, दैट इज हेनरी डेविड। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, जीके गोखले। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी जी के मतलब इनसे बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है, तो इनको हम लोग एक एडवाइज़र के तौर पे लेते हैं। वो कैसे एडवाइज़र है ये लोग आप मुझे कमेंट करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए, एज अ गुरु मानते हैं, मतलब क्या मानते हैं गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी को, क्या मानते हैं आप मुझे ये कमेंट करेंगे। ओके, आपका क्वेश्चन ये है, देन हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सर बी एन राव। ओके, और जुलाई 1st 1946 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी ऑन दैट टाइम। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज लोकसभा, मैं आपको बता दूं जब फर्स्ट इलेक्शन, ओके, जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था तो तब 15th May 1952 है ना, आफ्टर द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो जो हमारे स्पीकर बनाए गए थे ऑन दैट टाइम जीवी मवलांकर। इन विच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस, अब आप लोगों को बताना है कि सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ था, ये हुआ था, मैं आपको बता दूँ डेट, डेट नहीं बताऊँगी क्योंकि ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मार्च टू अप्रैल। ओके, और आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कब हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। ओ एम जी,
या तो शो हो गया आपको 1930। चलिए कोई नहीं, जो मैंने क्वेश्चन पूछे आप लोग वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, मतलब इसमें स्किप नहीं कर सकते हम। ओके, तो आपने देखी लिया है 1930। चलिए कोई नहीं, मैं और क्वेश्चन पूछ लूँगी आपसे। सो विच एजुकेशनल रिपोर्ट कैलकटा यूनिवर्सिटी केम इन टू एग्जिस्टेंस? बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बताइए। बात है 1854 की, वो डिस्पैच जब आया था उस टाइम पर हमने यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड की थी, कहाँ? कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक, तो दैट इज वुड्स डिस्पैच। सो फ्रेंड्स, ये हमारी 20 क्वेश्चंस की कुछ सीरीज़ थी और मैं आपके साथ 20 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन और लेकर आऊँगी। तो जब तक आप लोग इसके अच्छे से प्रिपरेशन करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।